बड़ी खबर, भिवंडी की फैक्ट्री में बड़ी आगजनी की जानकारी इस वक्त सामने आ रही। डायपर फैक्ट्री है ये, जहां पर आग फैल गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी लगातार। महाराष्ट्र के भिवंडी से ये तस्वीर देख सकते हैं आप, कितनी भयानक है ये तस्वीर, जहां पर डायपर फैक्ट्री पूरी तरह से जल करके राख हो गई है। भयानक आग इस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पे लगी हुई है। आग की लपटें धधक रही हैं, काले धुएं का गुबार पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले चुका है। ये भयानक तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी की है। एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, डायपर फैक्ट्री थी, जहां ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैल गई। भयानक आग की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं चारों तरफ धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आग की उठती हुई लपटें बताने के लिए काफी कि कितना विकराल रूप इस आग का रहा। ये डायपर बनाने की फैक्ट्री जो कि आग की जद में आ गई है। और आपको दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की खबर सबसे पहले, इसमें हाईकोर्ट के निर्देश पर धार भोजशाला में एएसआई का सर्वे जारी। सोमवार को सर्वे का 81वां दिन था, जहां पर गर्भगृह में 7 नए स्थानों पर सर्वे हुआ। हिंदू पक्ष के मुताबिक गर्भगृह में भगवान ब्रह्म जी के पूरे परिवार की लगभग 2 फीट की एक प्रतिमा मिली है। इसके साथ गर्भगृह में 7 अवशेष भी पाए गए हैं। सिक्किम के नामची जिले में जोरदार बारिश से भारी तबाही हुई है। माजुआ इलाके में बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई। यहां बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हालात का जायजा लिया। फिलहाल आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस कर्मियों के साथ राहत बचाव कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक महिला समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। यहां पर घर वापस आई अभियान के तहत 3 नक्सलियों ने हथियार भी डाल दिए। जिला पुलिस और सुरक्षा बलों ने माओवादियों से अपील की कि हिंसा की धारा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आइए। यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान लाया गया, जहां अब्बास ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ा। सोमवार को कालीबाग कब्रिस्तान जाने से पहले अब्बास को उसके पैतृक घर ले जाया गया, जहां उसने अपने परिजनों से मुलाकात की। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक कस्टडी परोल मिली है। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से कई इलाकों में पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्लीवासी। सीलमपुर के धर्मपुर में लोगों ने गंदे पानी की सप्लाई होने की बात कही। स्थानीय लोगों के मुताबिक खारा पानी पीने से लोगों के पेट में दर्द की शिकायत आ रही है। यहां पर गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा। Zee News.